एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है राइज एंड शाइन। तो ये है पार्ट टू, पहला जाके आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा व्लॉग। तो उसी का कंटिन्यूएशन ये व्लॉग होने वाला है। तो ये है प्रभु राम, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये हम चढ़ाएंगे राम भगवान को, तो आप भी बोलिए जय श्री राम। हाँ तो विनी, कैसा लग रहा है आपको भगवान राम का भोजन? प्रसाद है आज, ये पूरा प्रसाद बना के दिया है मैंने तुम्हें घर में आज। जय श्री राम। बिल्कुल अयोध्या की कमी महसूस नहीं होने दे रही हूँ तुम्हें। जय श्री राम। खा के बताओ हलवा कैसा बना? बहुत टेस्टी, बहुत स्वाद है। तुम तो हलवा चखे नहीं हो अभी। ठीक है अच्छा लगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो अब पूजा करने के बाद बज गए हैं 12 और लगी है बहुत ज़ोर से भूख। अश्वन ने तो खा लिया है, तो मैंने सोचा अब मैं भी खा लेती हूँ। तो उसके पहले मैंने बढ़िया सी अपने लिए अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बनाई, और चाय के साथ नाश्ता करना बोलो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये आज है नाश्ता नहीं, ये लंच कम नाश्ता हो गया, मतलब ब्रंच हो गया इन बिटवीन। तो पूरा बनाने में ही मेरा टाइम चले गया, और मैं चाय में डाल रही हूँ शुगर फ्री, और मैं सेम प्लेट में खा रही हूँ जिसमें अश्विन खा रहे थे, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी छोड़ दी थी, तो मैंने सोचा मैं उसी में ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने लिए खाना परोस रही हूँ। अब मैं गर्म कर रही हूँ हलवा, क्योंकि जो हलवा है वो ठंडा हो चुका है, ठंडी के दिन है तो ठंडा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे गर्म कर लेती हूँ। और घी रहता है ना, तो गर्मा गर्म हलवा खाने में ही मज़ा है, क्योंकि घी जो है वो जम जाता है, और गर्म करने से घी बढ़िया अच्छे से पिघल जाता है। तो यहाँ सर्व कर रही हूँ मैं अपने लिए हलवा। तो ये है मेरा खाना, मैं अश्विन की प्लेट में ही खा रही हूँ। तो ये है हलवा, ये इसकी सब्जी की रेसिपी तो दिखा दी सुबह, पूरी दो लिए लेकिन शायद एक ही खा पाऊँ या दो खा लूँ। और ये है मेरी चाय, और ये मेरा अभी का मतलब सुबह का पहला मील है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी थी, और अब बजने जा रहे हैं 12, तो अब मैं इसे खाऊंगी, और यही मेरा लंच हो गया। अब इसके बाद सीधा 4-5 बजे हम चाय पियेंगे। तो ऐसा है, तो ये खा के बताती हूँ कैसा है, और फिर उसके बाद आगे का बोलती हूँ। जय श्री राम। ये लीजिए आप लोग भी खाइए। वाह, अपने हाथ की क्या ही तारीफ करूं, क्या बढ़िया बना है। वाह, हलवा खाएंगे। बहुत टेस्टी खाना बनाया, और मैं फटाफट से खाती हूँ। आप लोगों ने क्या क्या बनाया आज के राम भगवान के आने के उपलक्ष में, मुझे जरूर बताना कि आपके घर में क्या क्या बना। हमारे घर में इंडिया में तो रंगोली डली है, पूजा हुई है, शाम को दीपक जलाएंगे, हम भी जलाएंगे दिए बहुत सारे, और वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत एक्साइटेड हूँ शाम के लिए भी, पूरी लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई है, कुछ भी मैंने निकाला नहीं है। तो चलिए इसे मैं खाती हूँ, और फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। सोचा मैं आपको बाहर का भी माहौल दिखा देती हूँ। ओह माय गॉड, ये देखिए, ये तो ऐसे दौड़ रहा है जैसे आंधी तूफान। ओहो, आंधी तूफान तो एक्चुअली आई है, बर्फ का तूफान चल रहा है बाहर। आप देख सकते हो कितना सारा स्नो है, और अभी पता है कितने बज रहे हैं, अभी सिर्फ दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं, और मैं लेकर आ गई हूँ अपनी कॉफी। ये मैं पी रही हूँ ओट्स लाते, और बाहर तो देखिए गजब का माहौल हो रखा है। आज 85% स्नो है। आई विश मैं आपको ये खोल के दिखा सकती, मगर ठंड इतनी है। खोल के दिखाऊं क्या? एक सेकेंड, ना कॉफी ही चल देती हूँ, और मेरा ना स्वेटर भी नहीं पहना है, मैं एक अलग महान। और इसको खोलेंगे, ये देखिए स्नो, ये देखिए कितना सारा, और वाह बहुत ठंडा है देखिए। तो ये देखिए बाप रे, यहाँ तक लिटरली है ना, यहाँ तक स्नो आ गया है। मतलब ये बहुत नीचे है, लेकिन स्नो का लेवल देख रहे हो, पूरा यहाँ तक आ गया है, और बहुत ठंड है। और ये ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा स्नो क्या होता है ना, ये जब गाड़ी आती है स्नो क्लीन करने के लिए, तो ये पूरा एक जगह ना ऐसे जमा कर देती है, इसलिए बर्फ़ के पहाड़ लगते हैं। ठंडी हवा चल रही है, और ये हवा इतनी फ्रेश और अच्छी लग रही है ना। मुझे वैसे बाहर जाना है अभी, वो इसलिए जाना है क्योंकि मुझे जाना है लेने के लिए कुछ ग्रोसरी, और यही है। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, बस यहाँ से मैं अगर उतरूँगी तो सामने ही है इस मार्केट हमारे। और भाई अब मौसम तो देखो, हवा देख रहे हो, पूरे झाड़ वाड़ कैसे ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है। देखिए देखिए कैसे उड़ रहा है ये, है ना, स्नो कितनी उड़ रही है। वाह,
तो ऐसा है और ऐसा होता रहता है इन बिटवीन, अभी ठंडी है तो. और जो स्नो का लेवल है ना, ये तो पूरा एक सा हो गया है ना. ऐसा जो आपको ये इस समय दिख रहा है ना, ये पूरा दिन ऐसे ही रहता है अभी फिलहाल, एकदम ग्लूमी वेदर. पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, लोगों को पसंद नहीं है, बट मुझे सनी डेज से ज़्यादा अच्छा ग्लूमी डेज लगते हैं. आई नो वियर्ड है बट ऐसा ही है. तो मैंने लगाया है रोलर्स. तो मैं कह रही थी कि मुझे ना ऐसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मौसम सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मेरी ऐसी है. तो बस अभी कॉफ़ी पीती हूँ, फिर थोड़ा एडिटिंग करती हूँ, फिर हम जलाएंगे दीपक शाम को, वो मैं आपको दिखाऊंगी. और अब ना मैं खिड़की को बंद कर देती हूँ क्योंकि हो रही है बहुत ही ज़्यादा सर्दी और स्नो भी बहुत गिर रहा है, इसे भी बंद कर देते हैं. ओके दोस्तों, तो शाम हो चुकी है और हम लोगों ने ना यहाँ पे ऐसे मंत्र लगा के रखा है और आप देख सकते हो पीछे फूल है और पीछे पूरी लाइटिंग्स लग चुकी है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बिल्कुल दिवाली की तरह, क्योंकि आज आए हैं राम जी. तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये मेरे पास एक ट्रे है और इसी के ऊपर ना मैं बढ़िया से ऐसा सजाऊंगी फूलों के साथ. और मेरे पास एक दिमाग में एक प्लान है मेरा, मैं दिखाती हूँ वो क्या है. तो ये था मेरा सरप्राइज, है ना सुंदर. अब इसे हम रखेंगे और इनके सामने दिया जलाएंगे. करने वाली हूँ ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से, इसे कर देते हैं ऊपर और ये देखिए. और यहाँ पे रखेंगे हमारे प्रभु श्री राम को. मेरे पास ये एक ऐसा स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा तो ये स्टैंड यहाँ रखती हूँ. ये आ गए मेरे प्रभु श्री राम, जलाएंगे एक छोटा सा दिया और यहाँ पे कुछ अर्पित करेंगे फूल उनके लिए, है ना सुंदर. बस और यहीं पे कुछ दिए भी हम जलाएंगे. तो मैं जैसे दिवाली के दिन दिए जलते हैं ना, बिल्कुल वैसे अब दिया जला दूंगी यहाँ पर. प्रभु राम, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है मेरा घर इस समय. तो यहाँ पर भी मैंने कुछ दिया जला दिया है और पूरा दिवाली जैसा लग रहा है हमारा घर आज, पूरा दिवाली की तरह सजा है. और यहाँ पे श्री राम के भजन चल रहे हैं, यहाँ पे भी लाइट्स लगवा दी है, मतलब लगी थी तो मैंने निकाली नहीं. और यहाँ पे भी मैंने अपने प्रभु राम का भी फोटो का पूजा कर लिया है और यहाँ पे हमारी नॉर्मल भगवान की जो पूजा होती है वो तो हमने करी है. तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग प्रभु श्री राम के लिए. सच में बहुत दिल से खुशी मिल रही है, इतना अच्छा लगा आज. काश इंडिया में होते इस समय और भी मज़ा आता क्योंकि बहुत अच्छा डेकोरेशन देखने मिल रहा है, हर कोई फोटो डाल रहा है, वीडियोस डाल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वाह क्या नज़ारा होगा उस समय का. और दिवाली की तरह लग रहा है आज पूरा इंडिया, मैं जानती हूँ. हमारे यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, फिनलैंड में भी काफ़ी जगह पे रामायण और भजन हुए और ताइपे में का भी मैंने देखा. बस ऐसा था आज का हमारा दिन, जितनी कोशिश कर सके हमने की श्रद्धा से की, मैंने और अश्विन ने मिलकर पूजा करी. और बस यही था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा छोटा सा व्लॉग. अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप न्यू है. तो मैं इस वीडियो को व्लॉग को एंड करूंगी अब. तो ध्यान रखिए अपना, बाय बाय और जय श्री राम.